एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे MuleSoft के लॉगर कंपोनेंट की। बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है बट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो सबसे पहले समझ के देखते हैं कि हमारा जो लॉगर कंपोनेंट है इसकी हेल्प से हम क्या अचीव कर सकते हैं। सो लॉगर हेल्प्स यू मॉनिटर एंड डिबग म्यूल एप्लीकेशन। जो हमारा लॉगर है ये हेल्प करता है क्या करने में, मॉनिटर करने में एंड डिबग करने में म्यूल एप्लीकेशन को। हम कैसे लॉगर कंपोनेंट की हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं एंड डिबग कर सकते हैं अपनी म्यूल एप्लीकेशन को, वो समझते हैं। होता क्या है, जब आप कोई म्यूल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो आप उसमें लॉगिंग करते हैं, वही लॉगिंग आपको हेल्प करती है जब आप उसे डिप्लॉय कर देते हैं क्लाउड पर। तो रन टाइम पर जब आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होती है, आपको चेक करना होता है, मॉनिटर करना होता है अपनी एप्लीकेशन को, आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है या नहीं। तो आप वो लॉग्स की हेल्प से ही मॉनिटर करते हैं। ओके, कैसे मॉनिटर करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई सेल्स फोर्स पर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ओके, अपडेट जब हम सेल्सफोर्स पर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें उसका स्टेटस रिसीव होता है कि सक्सेसफुली अपडेट हुआ है या नहीं। तो आप वो स्टेटस को लेकर क्या करते हैं, लॉग कर देते हैं, तो वो लॉग्स आपके प्रिंट हो जाते हैं। तो आप उन्हीं लॉग्स को रीड करके क्या करते हैं, क्लाउड पर अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर एंड डिबग करते हैं। तो जो लॉगिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लॉगिंग जब भी करें तो बहुत ही केयरफुली लॉगिंग करें। नेक्स्ट है कि हम लॉग का यूज़ करके क्या क्या मैसेज, क्या क्या चीज़ों को लॉग कर सकते हैं लॉगर का यूज़ करके। सो वी कैन लॉग एरर मैसेज, यानी कि हम एरर मैसेज को लॉग कर सकते हैं। स्टेटस नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी मैंने सेल्स फोर्स का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से आप जो सेल्स फोर्स का या फिर कोई भी ऑपरेशन, चाहे आप डेटाबेस पे परफॉर्म कर रहे हों या फिर कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस वगैरह आप लॉग में प्रिंट कर सकते हैं, पेलोड्स को प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। बट जो मैं आपको बता दूं, हमें जनरली क्या है, पेलोड को कभी भी पेलोड को लॉक करने से बचना चाहिए। ये क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को अननेसेसरी हैवी करता है। सो वी कैन ऐड ए लॉगर एनी वेयर इन ए फ्लो। तो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो लॉगर है उसे हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, हमारा लॉगर इज वन ऑफ द ओनली कंपोनेंट दैट सपोर्ट्स मिक्सिंग स्ट्रिंग्स एंड एक्सप्रेशंस विद इन ए फ्लो, यानी विद इन ए वैल्यू, यानी कि किसी वैल्यू के अंदर आप लॉगर में क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स एंड एक्सप्रेशन को मिक्स करके प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी म्यूल एप्लीकेशन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिसनर ऐड किया हुआ है और यहाँ पे लिसनर का पाथ टेस्ट लिया हुआ है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है लिसनर को। इसका जो पोर्ट है वो 8081 है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लॉगर लिया हुआ है और इसका जो नेम था वो मैंने चेंज कर दिया, प्रिंट माई मैसेज। बाय डिफॉल्ट जब आप लॉगर को लेंगे तो आपका जो लॉगर है उसका नेम लॉगर रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक मैसेज जेनरिक सेक्शन के अंदर मैसेज लेवल एंड कैटेगरी है। तो मैसेज में आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, लेवल में आप यहाँ पर लेवल चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लेवल है वो इनको डिफॉल्ट रहता है और यहाँ पर इसी तरीके से 5 लेवल्स हैं। ओके, फर्स्ट आपका डिबग, देन एरर, इन्फो, ट्रेस एंड वार्निंग। इसी तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं बट ये ऑप्शनल है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, हेलो मी, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मैंने मैसेज में कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉगर हमारा क्या प्रिंट करेगा, हेलो म्यूल प्रिंट करेगा। जो सेकेंड लॉगर है ये क्या प्रिंट करेगा। ओके, जब हम यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं देंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। आई थिंक ये एप्लीकेशन हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ओके फाइन, तो हमें बस इसे क्या करना है, हिट करना है। तो अभी हम हिट कर रहे हैं और जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिबग मोड में डिप्लॉयड है। ओके, तो हमारा जो कंट्रोल है वो ब्रेक पॉइंट पर रुक गया है आके। तो आप अभी देखेंगे, ओके, सो प्रिंट माई मैसेज लॉगर है, इसका लेवल क्या है, इन्फो है, मैसेज क्या है, हेलो मेल है, और एट्रीब्यूट्स क्या क्या आए हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स आए हैं, लिसनर पाथ, लोकल एड्रेस, क्वेरी स्ट्रिंग एंड ऑल। ओके, इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें पेलोड में आपका जो पेलोड है वो क्या है, एम्प्टी है, और वेरिएबल्स का भी साइज क्या है, 0 है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट। जैसे मैं एक पॉइंट आगे बढ़ा तो आप कंसोल पर देखेंगे एक मैसेज प्रिंट हुआ होगा। मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, हेलो म्यूल, राइट। तो हमारा फर्स्ट जो लॉगर था ये प्रिंट हो गया है। तो अभी जो लास्ट वाला लॉगर था, ओके, तो जो लास्ट वाला लॉगर था, अगर मैं एक पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो लॉगर है वो हमारे ये एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, कंसोल पर हमारे एट्रीब्यूट्स प्रिंट करेगा। तो मैं एक पॉइंट आगे जाता हूँ और आप देखेंगे कंसोल पर, तो आपको क्या देखेंगे कि सारे के सारे उसने क्या किया है, आपके एट्रीब्यूट्स प्रिंट करते हैं। ओके,
एट्रीब्यूट्स में आपका रिक्वेस्ट पाथ, रॉ रिक्वेस्ट, मेथड, लिसनर पाथ एंड ऑल, जो भी चीज़ें थी आपकी क्वेरी पैरम, यूआरआई पैरम, अभी तो एम्प्टी है, ये सारी चीज़ें जो भी था उसने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे लॉगर में कुछ भी कन्फिगर नहीं करते हैं, तो कोई एरर नहीं आने वाला है, वो बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कर देगा। ओके, और यहाँ पर मैंने जो भी मैसेज लिया हुआ था वो क्या करेगा, उस मैसेज को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक सेट पेलोड का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो पेलोड है उस मैं वैल्यू डाल देता हूँ 123, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपका एफएक्स एक्सप्रेशन मोड को मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पर मैं जो क्या करना है, बस पेलोड राइट करना है। ओके, तो ये यहाँ पर मैं इसके नेम में जाता हूँ, और आप इसके नेम को प्रिंट मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट पेलोड। ओके, सो ये क्या करेगा, पेलोड को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर जो मैसेज है मैं इसमें डाल देता हूँ, एक मैसेज ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, कहाँ लिख रहा था, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन बस करो, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। ओके, सो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ, हमारा एप्लीकेशन है सेव होके हॉट मोड में डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, तो हमें स्टॉप करके, यानी कि एक बार हमारा एप्लीकेशन चल रहा है तो मैं उसे स्टॉप ना करके सेव करके सेव करूँगा ना, तो ऑटोमेटिक जब वो डिप्लॉय होता है तो उसे हम हॉट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो जो हमारा एप्लीकेशन है, ओके स्टार्टेड ऐप हो गया है, हॉट डिप्लॉय हुआ है, तो अभी हम इसे हिट करते हैं। ओके, चलते हैं यहाँ पर, हिट करते हैं, हिट किया, हमारा ब्रेक पॉइंट पे आके रुका। अभी आप इवेल्युएट करेंगे तो देखेंगे पेलोड में हमारी वैल्यू आ रही है 123, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट पेलोड कंपोनेंट में सेट की है वैल्यू 123। ओके, लाइकवाइज आप देखेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ओके, इसी तरीके से, और जो हमारा ये जो लॉगर है ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, पेलोड प्रिंट करेगा। ओके, सो अभी आगे चलते हैं और एक पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो पेलोड है वो क्या था, 123, वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ाऊंगा जब मैं, तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज कॉन्फ़िगर है, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, तो ये मैसेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पर। ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। तो आप इसी तरीके से अपने लॉगर का यूज़ कर सकते हैं, लॉगर का, और यहाँ पर आप लॉगर को नेम भी दे सकते हैं, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन completed, completed या ट्रांजेक्शन एंड कुछ भी इस टाइप से। तो आपको क्या होगा, लॉगर देख कर ही पता चल रहा है कि आपका लॉगर है क्या प्रिंट कर रहा है। तो ये आपका बेस्ट वे है लॉगिंग करने का, और अपने एप्लीकेशन में आप इसी तरीके से लॉगर्स को आप केयरफुली ऐड कर सकते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, और इस तरीके से आप लॉगर्स को नेम दे सकते हैं, सो दैट कि जब आप एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्लोज हो बनाते हैं, तो बहुत सारे फ्लोज होते हैं, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे में जब आप लॉगर्स को या कंपोनेंट्स को नेमिंग कर देते हैं उनकी, तो आपके लिए ईजी हो जाता है, और किसी अदर पर्सन के लिए भी समझना देख कर एप्लीकेशन को कि कौन सा कंपोनेंट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, और मैंने कोशिश करा है जितना भी ईजिली मैं कवर कर सकता था इसमें कवर करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।